पूरी दुनिया में बिहार का सम्मान बढ़ता है, बिहार के चिकित्सकों की पहचान बढ़ती है और हम सब लोग अपने अभिभावक के रूप में जिनको सदैव देखे हैं राजनीतिक रूप से भी और चिकित्सकों ने भी उनको अपना गुरु माना है और हैं, ऐसे आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, उनके साथ बैठे हुए वैसे ही लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक जिनका ऑर्थोपेडिक सर्जरी में पूरी देश दुनिया में नाम है, वैसे आदरणीय पद्मश्री डॉक्टर आर्यन सिंह जी, आईएमए के पूर्व प्रेसिडेंट हमारे अभिभावक तुल्य आदरणीय डॉक्टर सहजानंद जी, आईएमए बिहार के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी, अभी दिखाई नहीं दे रही हैं शायद, लेकिन अभी कार्यक्रम में आने वाली हैं, ऐसी वो भी हमारी अभिभावक जैसी ही हैं, मेरे गांव की बगल की हैं, आदरणीय डॉक्टर शांति राय जी, यहाँ उपस्थित कशिश न्यूज के संपादक अशोक मिश्रा जी, ब्यूरो चीफ अमित सिंह जी, संपादक अनुराग ठाकुर जी, झारखंड से भी आए झारखंड के ब्यूरो चीफ, कशिश न्यूज के हमारे सभी वरिष्ठ पत्रकार बंधु और आज के इस परिचर्चा में यहाँ उपस्थित सभी भाइयों बहनों और हमारे सभी साथीगण मित्रों, हम सब लोग, मैं ये लाइव हो रहा है क्या, मैं आज अपने को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूं कि कशिश न्यूज ने मुझे यहां आमंत्रित किया है इस हेल्थ कॉन्क्लेव में और बहुत ही वरिष्ठ चिकित्सकों के बीच अपने विचार को रखने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। समय कि एक मर्यादा है, उस समय के अंदर ही बोलना है, मैं इसलिए शुरू में ही कह रहा हूं क्योंकि बातें बहुत सारी है कहने को। और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस प्रकार से बिहार आज आगे बढ़ रहा है उस विषय में जानकारी देने के लिए भी बहुत कुछ है, लेकिन जो समय की मर्यादा है उस समय के अंदर ही मुझे अपनी सारी बातों को आपके सामने कहना होगा, तो मैं संक्षेप में और महत्वपूर्ण विषयों को ही आपके सामने रखने वाला हूं। आज स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे जिस तरीके से बिहार को स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ मैं देख रहा हूं या जो कार्य योजना बनाया हूं उसकी थोड़ी चर्चा आपके सामने करूंगा, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम का जो थीम है वो भी स्वस्थ बिहार, समृद्ध बिहार और आत्मनिर्भर बिहार है, क्योंकि जहां स्वास्थ्य बढ़िया रहता है वहीं समृद्धि आती है और जहां समृद्धि आती है वहां स्वतः आत्मनिर्भरता आ जाती है। स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र की जब हम चर्चा करेंगे या स्वस्थ बिहार की चर्चा करेंगे तो हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ एजुकेशन दोनों इक्वली बराबर है हमारे लिए, क्योंकि बिहार में हेल्थ सर्विसेज को भी सुधारने की जरूरत और आवश्यकता आज भी है, पहले बहुत ज्यादा थी, और पैरेलली हमको जो हेल्थ एजुकेशन बिहार का है उस हेल्थ एजुकेशन के सिस्टम को भी बेहतर करने की चुनौती पहले ज्यादा थी और आज भी लक्ष्य हमारे सामने है जो कुछ काम हमको करने हैं। बिहार ऐसे ज्ञान विज्ञान अध्यात्म और लोकतंत्र का गढ़ रहा है, लेकिन यह भी सत्य है कि आज से 20 साल पहले बिहार के अंदर स्वास्थ्य सेवा की स्थिति बहुत गड़बड़ हो गई थी, या ऐसा कहें हम कि चरमड़ा गया था तो वो कहना भी ज्यादा नहीं होगा। और 20 साल पहले बिहार के अंदर आम लोगों के बीच स्वास्थ्य सेवा सरकारी सिस्टम में मिलता है इस पर से भरोसा उठ गया था, विश्वास नहीं था। हम लोग गांव के लोग हैं, गांव में मैंने बहुत नजदीक से इस बात को महसूस किया है कि ग्रामीण परिवेश में आज से 20 साल पहले यदि किसी की स्वास्थ्य खराब हो जाती थी या तबीयत बिगड़ता था तो सरकारी अस्पताल में जाने का तो उसके मन में कोई कल्पना ही नहीं रहता था, वो सीधा सीधा सोचता था कौन से प्राइवेट डॉक्टर साहब के यहां और कौन से
नर्सिंग होम में जाएंगे तो इलाज होगा। ये इस प्रकार की स्थिति बहुत ग्राउंड लेवल की थी, लेकिन धीरे धीरे स्थितियों में 2005 के बाद बहुत सुधार आया। आदरणीय चंद्रमोहन राय जी उस समय स्वास्थ्य मंत्री बने थे पहली बार, काफी सुधार आया। यहां पे आदरणीय डॉक्टर सीपी ठाकुर जी बैठे हैं, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में इन्होंने लंबी सेवा की है देश की। उस वक्त भी बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं पे इनका ध्यान रहा और उसके कारण बिहार की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने का अवसर आया और उस अवसर का लाभ भी बिहार को मिला। और यह क्रम जो 2005 के बाद बढ़ता गया तो 2017 में मुझे इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सेवा करने का अवसर मिला। और बिहार एक लोकतंत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है, लोकतंत्र की जननी यही वैशाली है। और ऐसे जमीन पे, ऐसे भूमि पे मुझे जन्म लेने का भी अवसर मिला है जहां लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं। और राज्य के मंत्री के रूप में बिहार की 13 करोड़ जनता की सेवा करने का भी अवसर मिला है। तो मैं 2017 में मंत्री बना और मैं बिहार का इकलौता ऐसा सौभाग्यशाली व्यक्ति हूं राजनीतिक रूप से, जो इकलौता व्यक्ति हूं जो लगातार 5 वर्ष तक बिहार के स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैंने सेवा बिहार की जनता की है। और अभी तक का सर्वाधिक समय का स्वास्थ्य मंत्री रहने का सौभाग्य मुझे मिला है। लेकिन जैसे ही सौभाग्य कहता हूं तो सामने चुनौती शब्द भी आती है, क्योंकि अगला किसी का प्रश्न होगा कि इतने लंबे समय तक यदि आप मंत्री रहे तो आपने किया क्या। तो 2017 के पहले जो काम हुआ उसकी चर्चा तो मैं बहुत नहीं कर पाया हूं, बस मैंने कहा प्रगति हुई, आगे बढ़े, स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में भी आगे बढ़े, अस्पतालों की व्यवस्थाओं को भी बेहतर किया, दवाइयों की उपलब्धता को भी बेहतर किया, चिकित्सकों की उपलब्धता बढ़ाई गई। लेकिन 2017 के बाद का जो मैं मानता हूं फेज, 2005 से 2017 तक का जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र के सुधार का था वो फेज 1 था। और 2017 के बाद से जो शुरू हुआ स्वास्थ्य सेवा में सुधार या स्वास्थ्य शिक्षा में सुधार, उसे मैं फेज 2 मानता हूं, क्योंकि कई नए काम इस बीच में किए गए हैं। स्वास्थ्य सेवा का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये होता है कि आप लोगों को अस्पताल में जाने का विश्वास और भरोसा दिलाएं। पहले कॉन्फिडेंस लेवल लोगों के अंदर आना चाहिए कि हाँ, सरकारी अस्पताल में मैं जाऊंगा तो मुझे ट्रीटमेंट मिलेगा। दूसरा, जनता को यह कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अस्पताल में जाऊंगा तो डॉक्टर और नर्स से मुलाकात होगा, भेंट होगा, वो हमारा उपचार करेंगे। तीसरा, उसको यह भरोसा होना चाहिए कि अस्पताल में आवश्यक दवाइयां हमें मिलेंगी। और चौथा, यदि हम आगे बढ़ें तो इस बात का भी विश्वास होना चाहिए मरीज को कि जो प्रारंभिक आवश्यक जांच होती है, चाहे वो पैथोलॉजिकल टेस्ट हो या एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, सीटी स्कैन हो, ऐसी जो सुविधाएं हैं, ऐसी महत्वपूर्ण प्रारंभिक जांच हमको अस्पताल में जरूर मिल जाए। इतना यदि आप कॉन्फिडेंस देते हैं पब्लिक को, तब पब्लिक आपके संस्थान में आएगी। ऐसे तो कोई जान की बाजी लगाने तो कोई आएगा नहीं। तो सुधार कैसे हुआ, कितना हुआ, वो मैं बताना चाहता हूं। 2005 में केवल 39 पेशेंट पर मंथ एक पीएससी पे जाते थे, ओनली 39। और आज की तारीख में एक पीएससी पे हर महीने एवरेज 10,000 प्लस पेशेंट जाते हैं, मतलब कितना गुना वृद्धि हो गया। और जहां 39 था वहां 10,000 से अधिक हो गया। तो ये मरीज तभी बढ़े, ये फुटफॉल हॉस्पिटल में तभी बढ़ा जब लोगों को ये भरोसा हुआ कि इस अस्पताल में डॉक्टर भी मिलेगा, दवाई भी मिलेगा, इलाज भी मिलेगा, उपचार भी मिलेगा। और मैं यहां बड़ी स्पष्टता से एक चीज जोड़ना चाहता हूं, ऐसा मैं नहीं दावा कर रहा हूं कि बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं देश की सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाएं हो गई। हमको सर्वोत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की ओर बढ़ना है, हमको अभी बहुत सारे काम करने हैं। कई दूसरे राज्यों में जो अच्छी सेवाएं दी जा रही हैं उससे हमें सीखना है और उसको सीख के उन व्यवस्थाओं को बिहार में लागू करने का काम करना है। तो मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना तो
जैसा मैंने कहा 2005 के बाद बहुत सुधार किए गए, लेकिन एक सबसे बड़ी आवश्यकता जो मैंने महसूस की, बड़े अस्पतालों पे तो सबके ध्यान चले जाते हैं, लेकिन जो सबसे छोटा अस्पताल होता है उसको स्वास्थ्य उपकेंद्र कहते हैं, हेल्थ सब सेंटर। मैं तो गांव का आदमी हूं, जब गांव में स्वास्थ्य मंत्री के नाते घूमने लगा, उसके पहले शायद मेरा ध्यान उतना नहीं जाता था उन भवनों पे, उन व्यवस्थाओं पे, लेकिन जब मैं गांव में घूमने लगा, देखने लगा, तो हेल्थ सब सेंटर की स्थिति मुझे बहुत कमजोर दिखाई पड़ी। हालांकि हेल्थ सब सेंटर, वहां पे कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं होता है, हेल्थ सब सेंटर बेसिकली जो है वो टीकाकरण के लिए होता है, वहां पे नर्सेज होती हैं और प्रिमिनरली कुछ सर्विसेज वहां दी जाती थी। हम जब देखे इसको तो मुझे ये कमी लगी कि हेल्थ सब सेंटर्स की स्थिति ठीक नहीं है, वहां नर्सेज ठीक नंबर पे नहीं है, वहां पे उपलब्ध नहीं है। और सबसे बड़ा चीज मैंने जो उसमें सुधार किया वो ये किया कि HSC पे पहले दवाइयां नहीं मिलती थी, तो मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना तो पूरा जो ANM का पोस्टिंग हुआ था उसको मैंने रेशनलाइज किया, सभी स्वास्थ्य केंद्रों पे कम से कम एक नर्स जाए इसको सुनिश्चित किया। फिर बाद में हमने जो नियुक्तियां की, उन नियुक्तियों के कारण अधिकतर जगहों पे आज दो नर्सेज हैं, जिसके कारण बेहतर सर्विसेज आज गांव में मिल रही है। आज मैं यहां से खड़ा होकर कह सकता हूं कि बिहार के लगभग सभी आज हेल्थ सर्विस सेंटर फंक्शनल हैं, पूरे बिहार में लगभग 11,000 के ऊपर इसका नंबर है। मैं ये कहता हूं, हो सकता है 150 नहीं खुला हो या उसमें कठिनाई हो, मेरे ध्यान में आए तो उसको मैं ठीक करूं, लेकिन आज मोर देन 95% HSC फंक्शनल है और बढ़िया तरीके से वहां लोगों को सेवा दी जा रही है। और मैंने स्वास्थ्य मंत्री बनने के बाद उसमें 16 तरह की दवाइयों को भी पहुंचाने का काम किया कि गांव के लोगों को कुछ जो तात्कालिक दवाइयों की जरूरत होती है और चिकित्सक यदि उसको प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो उस सेंटर पे जाके दवा ले सकता है, वहां की चीजों को ठीक किया। फिर मैंने सब डिविजनल हॉस्पिटल्स को ठीक किए। PHC जो बिहार में था उस समय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 2007 में ये घोषणा की थी कि हमारे जो प्रखंड के सभी अस्पताल हैं, उस वक्त 6 बेड के अस्पताल होते थे, इसको 30 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा और CHC और रेफरल अस्पताल उसका नाम रहेगा। पहले रेफरल अस्पताल करके बना, बाद में राष्ट्रीय स्तर पे चूंकि सभी ब्लॉक के हॉस्पिटल्स का नाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रखा गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, तो CHC करके हमने आज पूरे बिहार में अब 30 बेड के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC 6 या 7 प्रखंड अब बच गए हैं केवल, बाकी सभी प्रखंडों पे 30 बेड के अस्पताल को बना के बिहार की जनता की सेवा में दिया है और कुछ जगह जो शेष बचा है वो निर्माण कार्य चल रहा है। तो ब्लॉक के हॉस्पिटल को ठीक किया, सब डिविजनल हॉस्पिटल से छोटे थे, उन सब डिविजनल हॉस्पिटल्स का हमने ये टारगेट तय किया कि 50 से कम बेड किसी भी सब डिविजनल हॉस्पिटल पे नहीं होगा, 50 से 100 बेड होंगे और वहां जो फैसिलिटीज दी जाती है वो फैसिलिटीज भी CHC से ज्यादा फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि वहां रेफर्ड पेशेंट जो आएंगे उसको बेहतर ट्रीटमेंट मिल सके, वहां डॉक्टर्स की सुविधाएं हो, वहां पे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की नियुक्ति हो, तो जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं उन डॉक्टर्स को वहां पे हमने पोस्ट कराना शुरू किया। उसके बाद मैं सदर अस्पताल की ओर नजर घुमाया तो आपके ध्यान में होगा कि सदर अस्पतालों के भवन बहुत पुराने बिहार में बने हुए थे, 30 साल 40 साल 50 साल, तो वो या तो डाउन एरिया में चला गया था। आज भी आपको कहीं कहीं की तस्वीर दिख जाती है कि इस अस्पताल में पानी घुस गया, लेकिन ये नहीं साथ में चलता है कि 60 साल पुराना बनाया हुआ गड्ढे का अस्पताल था। अब मेरे सामने चुनौती थी कि उसको ठीक करना है, वर्तमान में मैं हूं तो मेरी जिम्मेवारी है उसको ठीक करना। मैंने पहले 22 सदर अस्पतालों को चयन किया उसको मॉडल हॉस्पिटल बनाने का और उन 22 सदर अस्पतालों के निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और फर्स्ट फेज में जो 12 हमने सिलेक्ट किया था उसमें अधिकतर जगहों पे अब नए भवन में ये शिफ्ट कर गया है और ये पूरा जो 21 मॉडल हॉस्पिटल हम बना रहे हैं इसको अगले साल तक हम पूर्ण कर लेंगे। जहां जहां पे सदर हॉस्पिटल बन रहा है, अभी सुपौल में चालू हो गया है, यदि कोई सुपौल के होंगे कभी जाके देखिएगा, आपकी कल्पना नहीं होगी कि सरकारी जिला अस्पताल ऐसा होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल की तरह आपको दिखेगा। आप रोहतास जाइए, मेरे सिवान में बन रहा है, ऐसे कई जगहों पे ये सारे अस्पताल जो बन रहे हैं
और बने हैं उनको आपको देखने से ये एहसास होगा कि बदली हुई सरकार की बदली हुई जो व्यवस्था है 2005 के बाद वो आपको प्रत्यक्ष दिखेगी। पुरानी बातों को दिमाग में रखेंगे तो शायद वही कल्पना होगी कि अस्पताल तो वैसा ही होता है सरकारी, लेकिन आज जो चीजें बदली है, मैं आपके माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं लाइव, मैं उन लोगों से भी अपील करना चाहता हूं कि एक बार सरकारी अस्पतालों में आप किसी को, मरीज को भी देखने एक बार जाइए, यदि आपका कोई परिचित भर्ती हो तब आपकी कल्पना बदलेगी। वहां से आगे जब मैं बढ़ा तो जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स बनने थे उस हॉस्पिटल्स की तरफ हम गए, और मैं जब मंत्री बना था उस समय 6 सरकारी कॉलेज और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 9 कॉलेज यहां बिहार में था, लेकिन आज बिहार में 12 सरकारी कॉलेज हैं और 9 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। मैं था उस वक्त 9 था और आज 21 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बिहार में हो गया है, और 13 जगहों पे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल बनने का काम ऑलरेडी चल रहा है। और वो जो 13 जगह है वो भी मैं एक बार बता देता हूं, छपड़ा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर, जमुई, बेगूसराय, महुआ, भोजपुर, मुंगेर, मोतिहारी और सुपौल, इन सारे जगहों पे मेडिकल कॉलेज बनने के काम और प्रक्रिया शुरू हो गए। और उससे जब आगे बढ़ा तो मेरे सामने एक कल्पना थी कि पीएमसीएच, मैं पॉलिटिकल वर्कर छात्र जीवन से ही रहा हूं, तो 2005 में जब सरकार बनी थी तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और उस वक्त माननीय उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी जी थे, मैं बराबर सुना करता था, और डॉक्टर साहब हमारे उस समय पार्टी के अध्यक्ष होते थे, मैं इनका महामंत्री भी रहा हूं 4 साल तक डॉक्टर साहब का, तो उस समय मैं सुना करता था, सत्ता में हम सब लोग थे, हमारी पार्टी थी, तो सुना करता था कि पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाना है और हमारी सरकार की योजना है, सोच है, हमारे नेताओं की सोच है। तो मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना तो मेरे दिमाग में ये नीचे के अस्पतालों को ठीक करते हुए जब हम आगे बढ़े तो मेरे दिमाग में आया कि उस पीएमसीएच को भी वर्ल्ड क्लास बनाने का जो सोच हमारे नेताओं का है, हमारी पार्टी का है, हमारे गठबंधन का है, उस सोच को जमीन पे उतारना है, और निश्चित रूप से एक चैलेंज था उस सोच को जमीन पे उतारना, बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन हम अपने जो वरिष्ठ लोगों के साथ राजनीतिक जीवन में काम करने का ढंग सीखे हैं, चुनौतियों को स्वीकार करना ही मेरा एक अंदर का सोच रहता है, हर चैलेंज को ही स्वीकार करना तो काम होता है, सामान्य काम तो सबको ही कर लेता है, तो मैंने कहा कि इसको करना चाहिए और पीएमसीएच को वर्ल्ड क्लास बनाने की कल्पना को जमीन पे उतारना हमने अपने मुख्यमंत्री जी के और उस समय के उप मुख्यमंत्री सुशील जी के नेतृत्व में उसको शुरू किया, और लगभग 28 साल के प्रयासों के बाद हम उसका डिजाइन फाइनल करा पाए, उसका बजट अप्रूव करा पाए, उतना बड़ा अस्पताल बना पाए, कल्पना से बाहर, देश ही नहीं दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल, एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल। मैं जब शुरू के दिनों में कहता था कि जब मुझे लगने लगा था कि अब मैं काम करने में सफल हो जाऊंगा, और जब मैं बोलता था कि 5462 बेड का ये अस्पताल 5,500 करोड़ की लागत से बनेगा, तो बहुत लोग को ऐसा लगता था कि जैसे सब नेता भाषण दे देते हैं, वैसे ही मंगल पांडे भी खड़ा होकर स्वास्थ्य मंत्री के नाते भाषण दे रहा है और होगा होगा कुछ नहीं, ऐसा पीछे से मेरे कान में बातें आती थी, लेकिन मैं भी थोड़ा अपने तरीके से काम करता हूं, मैं थोड़ा जिद्दी आदमी हूं अंदर से, खास करके जब कोई टारगेट या लक्ष्य मिलता है, चाहे वो पॉलिटिकल हो या एडमिनिस्ट्रेटिव हो, मैं उस काम में लगा, और आज मुझे इस बात का संतोष है कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच बन रहा है 5462 बेड का। उसका शिलान्यास हमने अपने मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज से 3 साल पहले करवाया, और अगला साल जब पीएमसीएच का 100 वर्ष पूरा होगा 25 फरवरी को, तो उसके पहले उसके फर्स्ट फेज का लोकार्पण मैं बिहार की जनता की सेवा में कर दूंगा, और उसके ओपीडी का बिल्डिंग का उद्घाटन तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर दिया, और वहां 8 डिपार्टमेंट का ओपीडी भी शुरू हो गया। ये मैं इसलिए इस बात की चर्चा कर रहा हूं, मैं बार बार अपने वरिष्ठ चिकित्सकों से कहता हूं कि बिहार ने जितना बड़ा काम ये किया है, इसको जितना प्रचार मिलना चाहिए था,
इसकी जितनी बड़ी पहचान देश के अंदर होनी चाहिए थी, हम लोग शायद उतना जोर से बोल नहीं पाते। और ये काम आईएमए को भी करना पड़ेगा, यह काम बिहार के एक एक चिकित्सकों को करना पड़ेगा, क्योंकि पीएमसीएच का बढ़ा हुआ सम्मान कोई मंगल पांडे का सम्मान नहीं है, केवल नीतीश जी का सम्मान नहीं है, यह 13 करोड़ बिहारियों का सम्मान है पूरे दुनिया में कि हमने दुनिया का दूसरा बड़ा अस्पताल बनाना शुरू किया और एक फेज उसका कंप्लीट करने जा रहे हैं। हम जितना जोर से बोलेंगे, हमारा मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ, मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज के बारे में हमारी विश्वसनीयता दुनिया में और देश में और बढ़ेगी। और मैं आपको बताऊं, डॉक्टर साहब गए थे आज से 2 साल 2.5 साल पहले, मैं उस वक्त भी मंत्री था, गुजरात में पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों की एक बैठक हुई थी, जिस समय डॉक्टर साहब आईएमए के प्रेसिडेंट थे शाहजा बाबू। और उस वक्त जब मैंने देश के स्वास्थ्य मंत्रियों के सामने ये बात कहा कि बिहार में 5462 बेड का अस्पताल बन रहा है, तो अवाक होकर सारे स्वास्थ्य मंत्री मुझे देख रहे थे, और उस सेशन के खत्म होने के बाद सब आके पूछने लगे, इसका डिजाइन कहां बनवाया, कैसे ये सारा हॉस्पिटल बन रहा है, कितना ब्लॉक बन रहा है, रेजिडेंस कैसा होगा डॉक्टर का, नर्सेज का रेजिडेंस कैसा होगा, ओटी कैसा होगा, इसमें इमरजेंसी की एक एक चीज आके मुझसे पूछने लगे। उनको लग रहा था ये हो कैसे रहा। और आपको बताऊं, उसी को सुन के मैंने उस वक्त आसाम सरकार में स्वास्थ्य मंत्री थे हेमंतो बिस्व शर्मा जी, अभी वहां के माननीय मुख्यमंत्री, और हेमंतो दा ने 3,500 का गुवाहाटी में वैसे ही हॉस्पिटल के बनाने का निर्णय ले लिया और उसका काम वो शुरू करवा। तो उनको भरोसा हुआ ऐसा किया जा सकता है। तो बिहार जो इतना बड़ा काम कर रहा है, इसका प्रचार प्रसार और होना चाहिए था। एक एक चीज, छोटे छोटे चीजों का हम सब लोग ध्यान दे रहे हैं, चाहे आईसीयू के बेड बढ़ाने हों, चाहे पीकू के बेड बढ़ाने हों, और खास करके कोरोना के समय में इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता महसूस की गई, चाहे वो पीकू हो, चाहे आईसीयू हो, चाहे वेंटिलेटर हो, ये सारे चीज जो है, इन सारे उपकरणों की आवश्यकता हुई और बहुत बड़ी संख्या में ये सारे साधन सुविधा उपलब्ध कराए गए। और मुझे जब जब कोरोना याद आता है, तब तब मेरा दिल और मन संपूर्ण चिकित्सा जगत की सेवा में लगे हुए लोगों के प्रति नतमस्तक हो जाता है, चाहे वो चिकित्सक हो या चिकित्सा कर्मी। जिस तरीके से सेवा बिहार के लोगों ने किया, और बिहार के चिकित्सकों की सेवा को मैं विशिष्ट इसलिए मानता हूं, यह बात सत्य है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर महाराष्ट्र की तरह नहीं है, हमारा तेलंगाना की तरह नहीं है, हमारा तमिलनाडु की तरह नहीं है, फिर भी जो औसत मृत्यु दर थी कोरोना की, वो इन राज्यों से बिहार की कम थी, और ये चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों और नर्सेस के कारण ही हो पाया, नहीं तो ये बहुत बड़ा चैलेंज। तो उस वक्त की चुनौतियों को सीख के हमने बहुत व्यवस्थाओं को अस्पतालों के अंदर ठीक करने का काम किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए एक नई व्यवस्था लाई है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नीचे गांव के लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, वहां योग विद्या से भी लोगों का इलाज किया जाए। ये इस प्रकार की जो व्यवस्था आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी, उसको बिहार ने जमीन पर उतारने का काम किया है, और आज 3303 स्वास्थ्य उपकेंद्र, 1127 एपीएससी और 105 यूपीएससी अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर, इन जगहों पे हेल्थ एंड वेलनेस के काम शुरू हो गए हैं। मैंने कहा कि पढ़ाई भी बहुत जरूरी थी। 2017 में बिहार में 950 एमबीबीएस की यूजी की सीटें होती थी, आज वो बढ़ के 1490 मतलब 1500 हो गया, डेढ़ गुना बढ़ गया। उसी प्रकार से पीजी की सीटें 520 थी, जो बढ़ के आज 767 हो गई, वो भी डेढ़ गुना हुआ, और अगले 2 वर्षों में मानता हूं ये पीजी की सीटें और बढ़ेंगी। हमारे प्रोफेसर्स आगे बढ़े डिपार्टमेंट्स के अंदर, उनका प्रमोशन हो, उन सारे कामों में विभाग लगा हुआ है। और सबसे बड़ा काम जो आयुष्मान भारत का हुआ है, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। हम तो उतना विदेश नहीं गए हैं, बहुत कम ही देशों में जाने का अवसर मिला है। आप जो यहाँ बैठे हुए लोग हैं, बहुत सारे देश में गए होंगे, चिकित्सक तो कई देशों में गए होंगे, लेकिन मैं जब अमेरिका एक बार गया था और लगभग 15 से अधिक दिनों तक वहां रहा था, तो हर जगह हॉस्पिटल सिस्टम को समझने की कोशिश करता था, तो यही समझ में आता था कि यहाँ कोई बीमार पड़ता है तो अस्पताल में आता है, भर्ती हो जाता है, फिर
स्वस्थ होकर वो घर चला जाता है, डॉक्टर डिस्चार्ज कर देता है और उसको पैसा नहीं देना पड़ता, इंश्योरेंस कंपनी से वो पैसा उसको आ जाता है और सबका हेल्थ इंश्योरेंस है और सब हेल्थ इंश्योरेंस से कवर्ड लोग हैं। ऐसा तो मुझे लगता था ये सब कैसे हो रहा है, ये 7-8 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो पीएम जय योजना शुरू किया, उस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना, इसके माध्यम से वैसे ही हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देशवासियों के लिए लागू किया और आज देश के 55 करोड़ लोग और बिहार के लगभग 5 करोड़ 55 लाख लोग उस प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना से कवर्ड हैं और उसमें 1.9 करोड़ फैमिली है, मतलब 1.9 करोड़ फैमिली, उसके अंदर 5 करोड़ 55 लाख लोग आज उस हेल्थ सिस्टम से कवर्ड हैं और उनका इलाज किया जा रहा है और उसके तहत अभी तक 2.94 लाख लोगों को वो गोल्डन कार्ड भी दिया जा चुका है। वो अब कार्ड लेके जाता है और इसमें केवल बिहार में ही इलाज करा सकता, ऐसा नहीं है, पूरे देश के अंदर लगभग 23,000 से अधिक अस्पताल हैं जो इम्पैनल्ड हैं उसके अंदर और उसमें बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं देश के। तो बिहार का कोई आदमी यदि बीमार पड़ा, उसको बिहार में संतुष्टि मान लीजिए नहीं हो रही है, यहां के भी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स, उसमें कई हॉस्पिटल्स हैं जो कवर्ड है, लेकिन उसको है कि नहीं किसी देश के बड़े अस्पताल में जाना है और वो अस्पताल आयुष्मान भारत में इम्पैनल्ड है, कुछ पैसा लेके नहीं जाना, उसको कार्ड और अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना है जो प्रिमिनरली उसने टेस्ट कराया है, बाकी सब कुछ उसके उस कार्ड पे हो जाएगा। ये कितना बड़ा कॉन्फिडेंस आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों को दिया है। और जब हम लोग इसको देखे बिहार में तो एक कमी महसूस हुई मुझे, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में मैं गांव में जाता था तो गांव में लोग कहते थे कि आपने तो 5.55 करोड़ लोगों को दे दिया लेकिन बाकी जो गरीब है उसका क्या होगा, क्योंकि बिहार में जो राशन कार्ड होल्डर हैं वो राशन कार्ड होल्डर बिहार में लगभग 1.74 करोड़ लोग हैं और हमने कवर्ड किया था उस योजना में 1.9 करोड़ परिवार को ही, तो ये 65 लाख परिवार जो था ये अनकवर्ड था, जो जिसको राशन कार्ड उपलब्ध है लेकिन ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी। मेरे मन को बराबर ये लगता था कि इसको ये सुविधा मिलनी चाहिए, मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, उनकी प्रारंभिक सहमति मिली, फिर कैबिनेट से उसको, मैं पिछली बार मंत्री था उसी वक्त पास भी करवा दिया, लेकिन मैं हट गया मंत्री से और मैं जब हटा तो मेरे बाद वाले मंत्री जी जो बने उन्होंने इस योजना पे कोई ध्यान नहीं दिया, सोचा नहीं कि ये गरीबों के कल्याण की योजना है, और यदि वो सोचे होते तो कैबिनेट से पास था वो, उसको इम्प्लीमेंट कराना था केवल, लेकिन वो नहीं कराए। फिर जब दोबारा हम लोग अभी सेवा में आए हैं तो फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से बात किया और आज मुझे खुशी है इस बात की, कशिश न्यूज के इस कार्यक्रम से बताते हुए, कि अब बिहार के सभी राशन कार्डधारी आयुष्मान योजना से कवर्ड हो गए हैं और वो जो बचे हुए 65 लाख परिवार के लोग थे उनको भी अब मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वैसे ही जो सारी सुविधा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत है वैसे ही सारी सुविधा आज उन गरीबों को देने का काम बिहार की सरकार कर रही है। और कई योजना हमने शुरू किया, आप देखते होंगे अखबारों में पढ़ते होंगे, बाल हृदय योजना, ये जो बच्चों के हृदय में छेद हो जाता है उसके कारण गरीब के बच्चे मर जाते हैं, और मैं बहुत छोटा था तो मेरे परिवार में भी एक ऐसी घटना हुई थी, वो मेरे स्मृति में था, मैं बहुत छोटा था, मेरी एक मौसी की लड़की का डेथ हो गया था और मेरे दिमाग में था कि वो दिल में छेद होने से उसकी डेथ हुई थी। तो मैं जब स्वास्थ्य मंत्री बना तो पता किया कि अभी इस बीमारी की क्या स्थिति है, तो अभी भी समाज में गरीब घरों में जिसके जो आर्थिक रूप से संपन्न है वो तो इलाज करा लेते हैं, एक सर्जरी कराना होता है वो करा लेते हैं, लेकिन जो गरीब है वो उसका बच्चा नहीं बच पाता। तो मैंने फिर उसकी योजना बनाई, बाल हृदय योजना बनाया और गुजरात में सत्यसाई हॉस्पिटल है उसके साथ MOU किया और आज मुझे इस बात की खुशी है कि अभी तक 1415 बच्चा, अभी 10-15 दिन पहले मैंने 20 बच्चों को अहमदाबाद भेजा पटना एयरपोर्ट से जाके,
1415 बच्चों का इलाज करा के उसके जान को बचाने का काम किया। गरीबों के बच्चे हैं और सब के माता पिता बच्चा को हवाई जहाज पे बिठा के भेजता हूं अहमदाबाद। हवाई जहाज से वो वापस आता है, उसके दवाई ऑपरेशन सारी चीजों की चिंता हम लोग करते हैं। ऐसी और भी कुछ नई योजनाएं मैं बहुत शीघ्र लाने वाला हूं। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से बात करके उसकी सब सहमति लेनी है, लेकिन इसी तरह की कुछ और योजनाएं हमने सोची है। और चाहे वो MMR हो, IMR हो, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट हो, ये सारी चीजों में बहुत कमी आई है और लगभग राष्ट्रीय औसत के आसपास हम इन सारी चीजों में पहुंच गए। TFR बहुत घटा है, टोटल फर्टिलिटी रेट। तो जितना कुछ काम हमको करना है वह सब काम हम कर रहे हैं। और जहां एक तरफ PMCH को इतना बड़ा बनाया, तो मुझे आज इस बात की खुशी है कि मैंने IGIMS को भी पिछले 7-8 सालों में बहुत आगे बढ़ाया है। IGIMS की आज पहचान देश के पूर्वोत्तर राज्यों के एक बड़े स्वास्थ्य संस्थानों में हो रहा है और इसी महीने या अगले महीने, माने 15 अगस्त के पहले तो पक्का, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थल्मोलॉजी, ये क्षेत्रीय चक्षु संस्थान जो संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का सरकारी अस्पताल होगा, 154 बेड का अस्पताल, उसका उद्घाटन मैं करवाने जा रहा हूं भारत सरकार और बिहार सरकार के सहयोग से। लगभग 190 करोड़ रुपए की लागत से वो अस्पताल बना है। तो एक एक चीज में कैसे स्पेशलिटी में, क्योंकि बिहार को यही माना जाता है कि यहां विशेषज्ञ चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सकों की जो जरूरत होती है उसे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं है, तो हमने स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल के लिए उस RIO को लाया। उसी वक्त कैंसर इंस्टीट्यूट भी मैंने बनाया। आज कैंसर इंस्टीट्यूट में 100% ऑक्यूपेंसी रहता है और उसके सीट को बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं। आज वहां पे कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है। आप SKMCH यदि जाएंगे तो आज टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट के टेक्निकल सपोर्ट से और एटॉमिक रिसर्च सेंटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सहयोग से 200 करोड़ रुपया मिला और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके 100 करोड़ रुपया और मैंने लिया। 300 करोड़ रुपए की लागत से आज SKMCH में भी कैंसर का हॉस्पिटल बन रहा है और पिछले 2 साल से वहां डॉक्टर रविकांत थे। पिछले 2 साल से उसके नेतृत्व में जो भी प्रिलिमिनरी केयर करना है या छोटे छोटे ऑपरेशन करने हैं, केमोथेरेपी करना है, ऐसे सारी सुविधाएं आज SKMCH के अंदर दी जा रही हैं। अब नॉर्थ बिहार के कैंसर के मरीजों को टाटा मुंबई नहीं जाना होता है, वहां के डॉक्टर यहां के उसका इलाज कर रहे हैं। ये हो रहा है और अगले 1 साल में वो जब हॉस्पिटल बनकर तैयार हो जाएगा तो एक बहुत बड़ा सेंटर जैसे IGIMS के अंदर बना है वैसे ही बनेगा। IGIMS में भी 1700 बेड बढ़ने जा रहा है, 500 बेड का हॉस्पिटल 90% बन के तैयार है और एक और 1200 बेड का हॉस्पिटल उसी के अंदर। ये सब मैंने ही शिलान्यास करवाया, सब मैंने शुरू करवाया। ये दोनों मिलके जो 1700 बेड है, ये 1700 बेड भी कार्यरत हो जाएगा अगले 1 साल के अंदर। ये 500 बेड वाला तो इसी साल में शुरू हो जाएगा और जो 1200 बेड और बन रहा है वो भी अगले साल मई या जून तक उसको टारगेट देके हमने किया। तो हर फैसिलिटीज को हम कैसे बढ़ा पाए इसकी कोशिश हमने की है और बिहार की सरकार ने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी लाने की कोशिश की। क्योंकि मैं तो बड़ा अस्पष्टता से हर जगह मानता हूं कि हेल्थ सर्विसेज ऐसा है कि केवल गवर्नमेंट सेक्टर के प्रयास से ही सब कुछ नहीं हो सकता है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा योगदान होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बहुत बड़े योगदान होते हैं और प्राइवेट सेक्टर में जो हॉस्पिटल्स आके अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, एक नई सुविधाओं को देता है लोगों को, तो उससे आमजन को बहुत सुविधा मिलती है। और दुनिया के कई देशों में हमने देखा है सरकार के सिस्टम, सरकार के हॉस्पिटल तो रहते ही हैं बेहतर, प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत बेहतर तरीके से लोगों की सेवा करता है और हमने उसकी कोशिश की। बिहार की सरकार ने जमीन दिया कंकड़बाग में और आज देखिए वहां पर मेदांता का कितना बड़ा हॉस्पिटल बनके तैयार है। जो मेदांता में इलाज कराने के लिए कोई दिल्ली जाता था, आज खास करके जो कार्डियक के पेशेंट्स होते हैं अब वो दिल्ली नहीं जाते, अब मेदांता कंकड़बाग पटना में ही इलाज कराते हैं, तो उस तरफ भी हमारा ध्यान है। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, RN सिंह जी इनके दामाद, डॉक्टर VP सिंह जी, उनका सवेरा कैंसर हॉस्पिटल है, कितना बड़ा हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का भी उद्घाटन
के दिन मुझे रहने का अवसर मिला। ऐसे कई अस्पताल पटना और बिहार के अंदर में प्राइवेट सेक्टर में भी खुले हैं, जिससे लोगों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। और ऐसे अस्पताल जब प्राइवेट खुलते हैं तो मैंने कहा इन अस्पतालों को भी सरकारी सेवाओं के साथ जोड़ना, चाहे वह मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना से पैसा देना हो, चाहे आयुष्मान योजना से जोड़ना हो, इसके साथ जोड़ के उन अस्पतालों की सुविधाओं का लाभ लोगों को दिलाते हैं। आज मेदांता है, मेदांता में 75 बेड है जो बिहार गवर्नमेंट के रेफरेंस से वहां पे पेशेंट जाते हैं। हमारे जो मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट हैं और जो कुछ सदर अस्पताल जो हमारे जिलों के अंदर सिविल सर्जन है, उनके रेफर करने से वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट होता है। और 75 बेड्स मेदांता पट्टा में भी बिहार के गरीब लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है तो प्राइवेट, वहां गरीब आदमी भी जाकर इलाज कराता है, CGHS रेट पे काम होता है। तो ये सारी चीजों की व्यवस्थाओं को ठीक करने का हमने काम किया है। मैंने कहा समय की मर्यादा है, बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन इतना करने के बाद भी आज आपको बताऊं, बिहार में पहले आप सब लोग देखते होंगे एम्बुलेंस कैसा चलता था, वो जो मारुति का छोटा वाला डब्बा था, छोटा गाड़ी भान जिसको मारुति भान बोलते थे, वही एम्बुलेंस होता था बिहार का। मुझे मेरा दिल बहुत कचोटता था, मैं जब दूसरे राज्यों में जाता था देखता था वो बड़ी बड़ी एम्बुलेंस की गाड़ियां और उस पर सारी सुविधाएं फैसिलिटीज रहती हैं, मेरा दिल कचोटता था कि बिहार के लोगों को ये सुविधाएं क्यों नहीं मिलती हैं, बिहार के लोगों को ये एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलना चाहिए, बिहार के लोगों को एम्बुलेंस 2.5 घंटे पे क्यों पहुंचेगा, 30 मिनट में क्यों नहीं पहुंचना चाहिए यदि उसकी जरूरत है। उस दिशा में हमने काम किया और मुझे आज इस बात की खुशी है कि बिहार में लगभग 1500 से अधिक एम्बुलेंस बिहार के लोगों की सेवा में आज उपलब्ध है। और ये जो 1500 एम्बुलेंस उपलब्ध है, उस 1583 एम्बुलेंस उपलब्ध है, और इस 1583 एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस 576 है। बिहार में ब्लॉक जितना है उससे ज्यादा अल्सा एम्बुलेंस है, और बिहार देश के 4-5 राज्यों में से है जिसके हर प्रखंड में एक एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम एम्बुलेंस है। उसके पहले इस राज्य, मेरे पहले इस राज्य में 50 भी अल्सा नहीं था, नॉट 50, आज 576। आज हर प्रखंड में आप जाइएगा, आज सड़कों पे आप जाते होंगे, बिहार सरकार का वो बड़ा एम्बुलेंस आपको दिखाई पड़ता होगा। और पहले क्या था, वो सुविधाएं छोटी थी। तो हर सुविधाओं को कैसे बेहतर बनाएं, हम हर सुविधाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप लाने की कोशिश कैसे करें हम, इसकी चेष्टा हमने सदैव की है। और मैं फिर कहूंगा कि अभी इसको आगे करते रहने की जरूरत है, क्योंकि जितना हम लोगों ने किया है, हम इतना पिछड़ गए थे 2005 के पहले कि अभी नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हमको आने के लिए अभी और हेल्थ सर्विसेज और हेल्थ एजुकेशन के सेक्टर में मेहनत करना होगा। और जहां मेडिकल कॉलेजेस की पढ़ाई हमने ठीक की, वहीं बिहार में नर्सिंग की पढ़ाइयों को भी बेहतर करने की कोशिश की है, और उसकी भी बहुत जरूरत थी। बहुत लोग बाहर जाते थे, बाहर पढ़ने जाते थे, और इन सारे चीजों के बीच आपका एक प्रश्न ये भी होगा कि आप इतने दिन मंत्री रहे तो आपने कितने नए लोगों को इस क्षेत्र में रोजगार दिया, यह भी आपका क्वेश्चन होगा, पत्रकार मित्र हैं सब पूछते हैं। मैं बताना चाहता हूं, हाँ ये बात ठीक है कि मैंने जितना किया मैंने ढोल नहीं बजाया, मैंने जितना किया मैंने मेला लगा लगा के लोगों को नियुक्ति पत्र नहीं बांटा, लेकिन जब मैं पिछली बार 5 वर्ष तक स्वास्थ्य मंत्री बिहार का रहा, 38,000 लोगों की नियुक्तियां इस स्वास्थ्य विभाग के अंदर की थी, 38,000, 18,000 से ज्यादा तो केवल नर्सेज की नियुक्ति हमने की, एक बार में 11,000, एक बार में 5,000 से अधिक GNM ऐसे करके नियुक्ति किया। इस राज्य के अंदर में अलग अलग तरीके से जो डॉक्टर्स की नियुक्ति होती है, चाहे वो हमारे रेगुलर हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा हो, हेल्थ सर्विसेज में हो, हेल्थ एजुकेशन में हो, NHM से हो, 8,500 से अधिक चिकित्सकों की नियुक्ति हमने बिहार में किया। उस वक्त जब डेलीगेशन मिलता था सब चिकित्सक लोगों का, तो वाजिब बात लोग कहता था आपके अस्पताल में डॉक्टरों की कमी, आज भी मैं कह रहा हूं पूरा भर गया ऐसा नहीं है, लेकिन आज उसको भरने की पूरी कोशिश की। अब सबसे ज्यादा दिक्कत हमको आता है डॉक्टर साहब, एनेस्थेसिया का अभी भी हमारे पास 1,000 से ज्यादा पद खाली है, बार बार वैकेंसी निकालते हैं, बार बार निकालते हैं, तो एनेस्थेटिस्ट मिल ही नहीं पाते, उनका आवेदन ही बहुत कम आता है।
और उनकी जरूरत बहुत है। हमको सी सेक्शन हॉस्पिटल जो चलाने होते हैं नीचे, तो वहां पे हमको एनेस्थेटिस्ट चाहिए, गायनी का डॉक्टर चाहिए, पीडिया का डॉक्टर चाहिए, ये तीनों जब मिलता है तब सी सेक्शन मेरा पूरा खड़ा होता है। अब ये सब व्यवहारिक कठिनाइयों को भी झेल रहा हूं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश की स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति हो रही है, और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे इसको फोकस करके हर जिले में, चाहे वह मेडिकल की पढ़ाई हो या नर्सिंग की पढ़ाई हो, फार्मेसी की पढ़ाई हो, उसको जिस तरीके से फोकस करके हमको उन्होंने काम करने के लिए दिया है, मुझे विश्वास है कि आगे आने वाले दिनों में इस सारे सेक्टर से हमारे ज्यादा डॉक्टर बन के निकलने लगेंगे, नर्सेज निकलने लगेंगे, तो ये सब कठिनाइयां अगले कुछ वर्षों में खत्म हो जाएगा। मैं अपनी बात को समाप्त करूं उसके पहले एक महत्वपूर्ण बात की जानकारी देना चाहता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की ये कल्पना थी आज से कुछ साल पहले कि इस देश में, जैसे दुनिया के बहुत सारे देशों में, लोकल लैंग्वेज में मेडिकल की पढ़ाई की जाती है। जर्मनी हो, फ्रांस हो, चाइना हो, ऐसे कई देश हैं, ये रसा हो, रसा के अंदर जो कई देश है वहां हमारे लड़के जाते हैं मेडिकल की पढ़ाई करने। इन सबको एक साल पहले लगता है लोकल लैंग्वेज सीखना पड़ता है। तो उनके मन में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मन में था कि यदि दुनिया के दूसरे देशों में लोकल लैंग्वेज में आप मेडिकल की पढ़ाई करते हो तो वो देश में, अपने देश में जो अपनी भाषा हिंदी है उसमें क्यों नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। फिर उन्होंने एनएमसी को बात किया होगा, डायरेक्शन दिया होगा, डॉक्टर साहब लोग उस समय रहे होंगे उस सब कमेटी में। तो कुल मिला के आज से लगभग 3-3.5 साल पहले भारत सरकार से इस बात की स्वीकृति मिली कि देश में MBBS की पढ़ाई भी हिंदी में शुरू की जाए, उसका जो करिकुलम बनना है, सिलेबस बनना है, किताबें बननी है, उन सारे चीजों के काम शुरू हुए। और देश में मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बना आज से 2 साल पहले जिसने MBBS की पढ़ाई हिंदी में शुरू की। और आज से 4 या 5 दिन पहले बिहार की सरकार ने, और स्वास्थ्य मंत्री के नाते मैंने अपने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, बिहार में भी MBBS की पढ़ाई हिंदी में इसी सत्र से शुरू करने का निर्णय कर लिया। अब जो हिंदी में बात करने वाला हमारा लड़का है, जिसको थोड़ा अंग्रेजी के बोलने में फ्लो में हेजिटेंसी रहता था, मतलब उसको कठिनाई होती थी या उसका कॉन्फिडेंस लेवल रहता था, नहीं नहीं तो अंग्रेजी में ही सब पढ़ना पड़ता है, छोड़ दो, दूसरा तरफ सोचो, 10th क्लास में ही उसका माइंड थोड़ा चेंज हो जाता था। अब जो हिंदी पढ़ने वाला लड़का 10th पास करेगा वो इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेगा कि भाषा के कारण हम डॉक्टर नहीं बन सकते, ऐसा नहीं हो सकता, हम हिंदी बोल के भी डॉक्टर बन सकते हैं और लोगों का इलाज कर सकते हैं। और क्यों नहीं कर सकते, मतलब बताइए, दूसरे देशों में वहां का लोकल लैंग्वेज पढ़ के डॉक्टर बन के दुनिया की सेवा करता। तो बिहार ने यह एक ऐतिहासिक निर्णय, मैं कहता हूं, और उसके किताब, उसके सिलेबस सब कुछ उपलब्ध करा दिया, सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं उपलब्ध करा दी है हमने, और इसी सत्र से वो शुरू होने जा रहा है। तो इस तरीके से काम मैं कर रहा हूं, और मीडिया के मित्रों का बराबर सहयोग मिलता रहता है, सभी चिकित्सकों का मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है, और जो चिकित्सा सेवा क्षेत्र और शिक्षा क्षेत्र में जुड़े हुए लोग हैं सबका स्नेह सानिध्य मिलता है, गाइडेंस भी मिलता है, चूंकि मैं डॉक्टर हूं नहीं और ना ही मैं इस क्षेत्र का विशेषज्ञ हूं, मैं तो राजनीतिक क्षेत्र का रहा और मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ा भी हूं, मेडिकल साइंस पढ़ा भी नहीं हूं, लेकिन सभी के स्नेह सहयोग और सुझाव से मैं सेवा का काम करता हूं, और विश्वास दिलाता हूं कि आगे भी इस काम को और बेहतर करके बिहार के स्वास्थ्य सेवा हो या स्वास्थ्य शिक्षा हो, इसको और गुणवत्तापूर्ण बनाने की कोशिश लगातार करता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।